वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्यता अभियान बहुत तेजी से शुरू हुआ है। हम लोग साधु संत हैं, फिर भी भाई साहब ने हमको भी सदस्य बनाया है। इस प्रकार व्यक्तित्व निर्माण से लेकर, राष्ट्र निर्माण से लेकर और सामाजिक समरसता से लेकर समाज में हर एक बिंदु पे कार्य करना कोई सीखे तो विद्यार्थी परिषद से। क्योंकि आप देखिए, कॉलेज के परिसर में जो वातावरण अच्छे से टीचर बच्चों को पढ़ावें, अच्छा संस्कार डेवलप हो सके, यथा संभव ये लोग कोशिश करते हैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कि जो कॉलेज परिसर की वातावरण है कितना अच्छा हो और गुरु शिष्य की परंपरा, बच्चों का संस्कार कैसे डेवलप हो कि गुरु का सम्मान कर सके। और वो गुरु, जो गुरु की जिम्मेदारी सरकार ने दिया है, समाज ने दिया है, जिस संस्था में पढ़ा रहे हैं संस्था के संस्थापक ने दिया है, उस पर वो गुरु किस तरीके से बच्चों को और अच्छे तरीके से शिक्षा और शिक्षण में मार्गदर्शन कर सके, सहयोग कर सके, किसी भी स्टूडेंट का शोषण ना हो, बच्चों को ज़्यादा फीस देना ना पड़े। ऐसे भी प्राइवेट स्कूल हैं जहाँ पर ये समस्याएं से जूझना पड़ता है, उस पर भी लगातार विद्यार्थी परिषद काम करती है, कार्य करती है। और उसके साथ साथ ये पर्यावरण कितना सुंदर हो, कितना स्वच्छ हो, जिससे आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में क्या स्थिति रही है। ये लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं कि ये वातावरण स्वच्छ हो, इसके नाते ये लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं साफ सफाई अच्छे तरीके से हो। ये लोग अपने से जुट पड़ते हैं क्या इस क्षेत्र में सफाई करना है, अपने से जुट पड़ते हैं कितने अच्छे पौधे लगे, फलदार वृक्ष लगे, छायादार वृक्ष लगे, इस पर काम विद्यार्थी परिषद करती है। इसके नाते मैं आपसे अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ, हर व्यक्ति जो स्टूडेंट है वो सदस्य बने, जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं वो भी सदस्य बने, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी सदस्य बने। अलग अलग इनकी इनकी विधा है, व्यवस्था है, इसकी कूपन है, उस कूपन के सहयोग से कार्य विद्यार्थी परिषद को आगे बढ़ता है। ठीक है, हम अगर कार्य नहीं कर सकते हैं, हम अगर समय नहीं दे सकते, तो हम सदस्य बन के, हमको भी इन लोगों ने सदस्य बनाया, 1000 का कूपन मैंने भी कटाया, तो ठीक है, हम संत हैं तो मंदिर की व्यवस्था में, लेकिन संगठन के कार्य में द्रव्य की जरूरत पड़ती है। और उससे क्या होता है कि इसी बहाने आपको अन्य तमाम जो लोग हैं उनसे मिलना होगा, जुलना होगा, वो लोग भी आपका आएंगे, आपका आशीर्वाद लेंगे, चरण छुएंगे। जब आपस में तालमेल बनेगा, उससे राष्ट्र निर्माण में एक हम लोग अहम भूमिका निर्वाहन कर सकते हैं। उसमें समाज की कैसी है संस्कृति, कैसे वातावरण स्वच्छ हो, सुंदर हो, उसमें हमारा भी कुछ योगदान, कुछ सहयोग हो सकता है सदस्यता के माध्यम से। तो इसलिए मेरा अपील है, आह्वान है कि आप लोग जरूर विद्यार्थी परिषद के सदस्य बने। पुनः बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार, वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय।